रेक्स का हार्ट रेक्स हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। रेक्स का हार्ट रेक्स डाइट्री सिरप एनआरसी जो है वो पूरे देश के लिए है, लेकिन असम जो है वो पूरे देश का पहला राज्य है जहाँ पे एनआरसी जो है वो प्रक्रिया के रूप में जो लागू है वहाँ पर किया जा रहा है। पूरे देश की नजरें असम के ऊपर है। 2010 में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे असम में सबसे पहले किया गया था, लेकिन वो पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया था। उसके बाद 6 दिसंबर 2013 को दोबारा शुरू किया गया। 1220 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 50,000 से ज़्यादा सरकारी और गैर सरकारी लोग हैं। दूसरा जो इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है जो मैंने वहाँ पे भी जाके समझी और वहाँ जाने से पहले मैं कुछ और समझ रही थी कि मामला जो है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, सांप्रदायिक मामला नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कतई वहाँ पे ना कोई शोर है ना कोई बात कर रहा है। मामला वहाँ पर जो है वो भाषाई स्तर पर है, बंगाली वर्सेस असमी का मामला है। 24 मार्च 1971 जो कट ऑफ डेट जो की तय हुई थी उस तक जो ना। और एनआरसी का एक और जो मामला वहाँ पर ये है कि बाकी जैसे कि अमित ने खैर बताई है ये बात कि बाकी लोगों को तो देश में जब भी जनगणना होती है तो जाकर एम्प्लॉयज जो होते हैं सेंसस डिपार्टमेंट के उनको जाकर पूरा डेटा लेना होता है, वे लोग घर घर जाते हैं। लेकिन असम के मामले में ये है कि हमें अपनी नागरिकता साबित करनी है उनके दफ्तर में जाकर कि हम भारतीय नागरिक हैं। अब इसमें ये है कि जो अभी जो अप्लाई किया है सब लोगों ने 3,39,00,000 लोगों ने जो एनआरसी के ऑफिस में हम लोग गए थे सरकारी डाटा जो बिल्कुल उन्होंने दिया है ऑथेंटिक डाटा की 3,39,00,000 लोगों ने अप्लाई किया है एनआरसी के लिए। और इसके लिए उन्होंने सभी को एक यूनिक जो है कोड दिए है, यूनिक आईडी कोड दिए हैं। और 3,39,00,000 लोगों का 6,06,00,000 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को देखना वेरीफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो एनआरसी ने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड ऑफिसेस जैसे आधार का ऑफिस है, राशन कार्ड का ऑफिस है, किसी ने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिया है, जहां जहां के सर्टिफिकेशन उन्होंने किए हैं 79,000 ऑफिसेस में उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को भेजा है वेरिफिकेशन के लिए, है ना। लेकिन अब इसमें दिक्कत जो आ रही है क्योंकि नदीम का कहना है कि महिलाओं के संदर्भ में बात की जाए और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि महिलाओं के पास सर्टिफिकेट्स नहीं है। लास्ट ईयर का लेटेस्ट डेटा है कि 67% पॉपुलेशन वहां पर पॉवर्टी लाइन से नीचे है और जो ये टारगेटेड पॉपुलेशन है बेहद गरीब है, दिहाड़ीदार है, मजदूरी करते हैं 150-200 रुपए में, जमीन इनके पास नहीं है बिल्कुल भी, घर इनके पास नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो उस जो वर्ग के आदमियों की ये हाल है तो औरतों के हाल तो उस वर्ग के और भी ज्यादा बदतर है। उनके पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है, आधार नहीं है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के पास नहीं है। हालांकि जमीयत उलमा हिंद जो अरशद बनी साहब वाला जो ग्रुप है इस मामले को लेकर कोर्ट में जब गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से ये बोला था, खासकर महिलाओं के मामले में जब बात आई थी कि वो लोग पंचायत से लिखवा सकते हैं तो पंचायत का सर्टिफिकेट गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मान लिया था कि आप ले लीजिए। अब जो पंचायत औरतों को जो सर्टिफिकेट दे रही है कि हाँ ये औरत जो है इसकी वहां पर शादी हुई थी, इसका नाम बानो नहीं था, ये था वो था, लेकिन जो 100 फॉरनर्स ट्राइब्यूनल्स हैं, कुछ ट्राइब्यूनल्स ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। एनआरसी ने बहुत सारे जो 16 डॉक्यूमेंट्स से मिले थे 16 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट जारी की है वो हमारे पास भी है, तो उन 16 डॉक्यूमेंट्स में से ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है। बहुत सारे ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास है लेकिन कहीं पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, कहीं पर सरनेम की मिस्टेक है, कहीं पर गांव के नाम में दिक्कत है। तो वो जो आदमी है या वो जो औरत है, खासकर औरतों के लिए तो घर से जाना और ज्यादा मुश्किल होता है, आदमी फिर भी हिंदी जानता है या असमी भी जानता है जो बांग्ला भाषी है, लेकिन औरतें तो बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। जब औरतें वहां से जाती हैं तो उनको बिल्कुल इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, तो उनका ये कहना होता है कि ये जो डिपार्टमेंट है राशन कार्ड में अगर मेरा नाम पे स्पेलिंग एक ही जगह ई लिखा है तो आप संबंधित डिपार्टमेंट से बोलिए, तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से किसी और डिपार्टमेंट ने उनका नाम गलत लिखा है तो एनआरसी का फॉरनर्स ट्रिब्यूनल का ये कहना है कि ये
आपकी ही जिम्मेदारी है। ना तो हम संबंधित विभाग से सवाल करेंगे किसी तरीके का, ना उनको ये बोलेंगे कि ये नाम जो है वो सही करके दिया जाए। और हम लोग ये देख सकते हैं कि जब करोड़ों के तादाद में डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, उसमें जरा सी कोई गलती नहीं हो तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। और डॉक्यूमेंटेशन का दबाव जो है वो इस तरह का दबाव है कि लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं। हमें जमीयत से ही एक सुसाइड जितने लोगों ने अभी तक किया है उसकी एक लिस्ट मिली थी, किसी को भी चाहिए तो हमसे ले सकते हैं। तो औरतों के मामले में जो है, कोई औरत चल नहीं सकती है, बूढ़ी औरतें हैं, बुजुर्ग औरतें हैं। एक औरत हमको मिली थी उन्नति बेगम, जयपुर गाँव जो की बारपेटा का है, उसको वहां पर ट्यूमर हो गया है, इलाज नहीं हो रहा है, खाने को नहीं मिल पा रहा है। तो औरतों के साथ हेल्थ की दिक्कतें भी जो है वो ज्यादातर जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। बाकी टोटालिटी में तो दिक्कतें हैं ही, लेकिन औरतों के संदर्भ में देखा जाए तो मामला ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा दिक्कत भरा है, ज्यादा जो है परेशानी भरा है। बच्चे उनके घर पर होते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे जेल में हैं, कुछ महिलाएं, एक दो महिलाएं आपको ऐसी भी मिली जिनके डिटेंशन सेंटर्स में जिनके बच्चे पैदा हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, दूसरा ये है कि एनआरसी जो है हम लोगों ने फील किया है कि एज ए प्रोसेस टोटल उसमें एज ए प्रोसेस बहुत अच्छा है, चाहे असमी है, चाहे बांग्लादेशी है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, वो चाहता है कि एनआरसी हो जाए, क्योंकि एनआरसी का डेटा आने से उसके सिर पर लगा 50-60 साल पुराना बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का कलंक धुल जाएगा, वो वहां पर मान और इज्जत के साथ रह सकेगा। लेकिन जो इसकी ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसका लागूकरण जो जमीनी स्तर पर है, उसमें बहुत ज्यादा प्रताड़ना है, जो कि एक आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ बेहद लाचार, बेहद गरीब, जो कि 100 रुपया कमा कर अपने परिवार को खिलाएगा, 100 रुपया घर पे आएगा तो वो रोटी खा पाएगा, वो किसी भी तरह से साबित ही नहीं कर पा रहा है कि वो यहाँ का नागरिक है। और दबाव इस तरह का है कि सुसाइड्स वहां पर बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं।